हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो है रोबोट रेडियो। इसके अंदर जो है कि रेडियो भी आने वाला है और इसके अंदर ब्लूटूथ भी आने वाला है, इसके अंदर FM भी आने वाला है। तो ये एक जो है कि रोबोट के रूप में आया है और यहाँ से जो है कि आप इससे क्रोकी भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो है कि हमें दो माइक देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो कि आप देख सकते हो। ये एक नया मॉडल आया है तो मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, प्ले करके दिखाता हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, काफी मजा आने वाला है। अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके की और जो है कि वीडियो आपके पास को आती रहेंगी। तो अभी जो है कि इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं प्ले करके किस तरीके से वर्क करता है, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इसका देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का बॉक्स। यहाँ पे जो कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें जो है कि घड़ी वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिलती है और कुछ इस तरीके का जो रोबोट रहता है, गुड्डे टाइप का जो है कि देखने को मिलता है। पूरे ऑप्शन जो है कि बटन वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, दो इसके माइक भी मिलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये कलरफुल लाइट भी आने वाली है इसकी, और लिथियम बैटरी भी इसके अंदर, और साउंड भी काफ़ी अच्छा है। और सिंगिंग ही आप इससे जो कि कर सकते हैं, मतलब करोके लगा के इससे गाने गा सकते हैं। यहाँ पर जो है कि इसके काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कलर भी आते हैं, किस तरीके का ले सकते हो। यहाँ पर जो इसका प्राइस है, दुबई प्राइस है, वो है 45 दिरहम। अगर हम इंडिया की अकॉर्डिंग की बात करें तो ये 500 से 600 रुपए के आसपास में मिलने वाला है। दूसरी साइड से भी हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अभी इसको जो है कि अनबॉक्स करते हैं और इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले जो है कि यहाँ पर इसका एक बॉक्स मिलता है, इससे जो है कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है कि एक मिलता है इसका माइक, ये वाला एक माइक है इसका, और ये काफ़ी अच्छा है, मतलब ये भी चार्जिंग है। यहाँ पर टाइप सी मिलती है और यहाँ पर जो कि इंडिकेटर मिलता है, और यहाँ से जो कि आप इसके जो ऑप्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। इसी माइक को यहाँ पर इसे बंद कर सकते हैं, इसके माइक की आवाज़ जो है वो ज़्यादा कम बढ़ती यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ पर ये माइक जो है इसको ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फीचर काफ़ी अच्छे इसके दिए गए हैं। अभी हम अपने रोबोट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये रोबोट जो है वही है, कुछ इस तरीके का आता है, और ये जो है कि है ब्लैक कलर का। ये देखो, ये ब्लैक कलर का है, और यहाँ पर ही इसका जो है कि मिलता है एक स्ट्रिप, जो इस तरीके से जो है कि आप इसको पकड़ सकते हैं, और इसके बीच में मिलता है स्पीकर, और चारों साइड में जो कि यहाँ पर लाइट आने वाली है, काफ़ी अच्छी आने वाली है लाइट। और यहाँ पर मिलता है एक जो वॉच का, मतलब यहाँ पर अगर इसको आप चलाओगे तो यहाँ पर टाइम भी चलेगा। और यहाँ पर जो कि आगे पीछे करने के लिए मिलते हैं बटन, छोटे छोटे बटन हैं यहाँ पर, जो है कि आपको स्टॉप करने के लिए मिलता है, और यहाँ पर ही ऑन करने के लिए मिलता है। इसका जो मोड है उसको चेंज करने के लिए मिलता है, यहाँ पर लाइट जो है उसको कंट्रोल करने को मिलता है, और यहाँ पर जो स्विच ऑफ है स्विच ऑन करने के लिए ये वाला ऑप्शन मिलता है। दूसरी साइड से देख लेते हैं, यहाँ पर भी जो है कि हमें स्पीकर का कुछ ऐसा दिया गया है, आवाज़ इधर से भी आने वाली है, और यहाँ पर जो है कि हमें देखने को मिलते हैं स्पीकेशन, यहाँ पर USB मिलती है, टाइप सी मिलती है, और यहाँ पर एक चिप मिलती है, UX मिलता है, और यहाँ पर एक इंडिकेटर मिलती है, किस तरीके से आप इसको चार्ज करोगे तो यहाँ पर इंडिकेटर चलेगा। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का एक रेडियो देखने को मिलता है। तो अभी फाइनली इसको लेते हैं ऑन। ऑन करने के लिए ये वाला जो बटन है इसको हम प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो लाइट है जल गई, और यहाँ पर जो लाइट है भाई इसकी काफ़ी अच्छी जो है कि देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छी जो है कि लाइट जो है वो यहाँ पर ये आ गई है। यहाँ पर देख सकते हो, मतलब इसकी लाइट जो है कि हम चेंज भी कर सकते हैं, और अभी ये ब्लूटूथ में आ गया है, तो मैं जो है कि आपको ब्लूटूथ में कनेक्ट करके अभी इसकी जो है कि मैं आपको साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ। इस लाइट को भी आप जो है कि चेंज कर सकते हैं इसी बटन से, ये वाला जो बटन है इससे जो है कि आप इस लाइट का जो कलर है देखो अभी ये चेंज कर लोगे कुछ इस तरीके से। तो इसके अंदर काफ़ी सारे कलर दिए गए हैं, बहुत ही सारे। अभी ये बंद हो गई, और फिर यहाँ पर जो है कि देख सकते हो ये रंग बिरंग भी आ गई, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अभी मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके आपको सुनाता हूँ ना। अभी मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है ब्लूटूथ से, और यहाँ पर जो है कि यहाँ से भी जो है कि आप इसको ऑन कर सकते हो, देखो यहाँ पर, और यहाँ से इसकी आवाज़ भी कम कर सकते हो। मेरी जाना। दूसरा गाना चलाते हो तो यहाँ से जो कि चल जाएगा, देखो यहाँ से इसकी जो आवाज़ है ना बहुत ही ज़्यादा है, देखो मैंने अभी कम करी है मगर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है इसकी। यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, अभी मैं इसकी फुल आवाज करके आपको साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ। स्टॉप कर सकते हो, और इसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर ये टाइम देखो, आप इसको टाइम को सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये टाइम दिखा रहा है, देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर घड़ी चालू हो जाती है जैसे इसको आप चालू करते हो। तो
तो अभी इसका मोड चेंज करने के लिए यहाँ पर ही मिलता है एक इसका मोड, ठीक है। जैसे हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बताता है आवाज़ कितनी हो गई है, तो उसके भी यहाँ पर ही मीटर बताता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। अभी जो कि मैं अंदर हूँ शायद ये पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा FM, तो देखते हैं ट्राई करके। अगर आप बाहर कहीं पर लेके जाते हो तो ये जो है कि काफ़ी अच्छी तरीके से पकड़ लेता है FM। क्योंकि इसका एंटीना नहीं है इसलिए जो है कि अभी अंदर है तो मैं जो अभी नहीं पकड़ेगा। तो अभी जो है कि अगर आपको इससे चलाना है USB से चलाना है तो ये जो है कि चल जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो USB लगाना है आपको ऐसे, ठीक है, आपको USB लगाना है और इसका ये ऑटोमेटिक चल जाएगा। देखो ये ऑटोमेटिक चालू हो गया, मतलब USB लगाते के साथ ही ऑटोमेटिक चालू हो गया। देखो दूसरा भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा आवाज़। देखो इसकी देखो चेक करो कितनी सारी कितनी मस्त आवाज़ है। देखो आवाज़ भाई बहुत है इसके अंदर। रेडियो ऐसा है इसको जो है कि आप लगाओगे जैसे तो ऑटोमेटिक चलने लगेगा। तो अभी ये फिर जो है कि जैसे मैंने निकाला था ब्लूटूथ मोड में आ गया है, अभी मोबाइल से ऑटोमेटिक कनेक्ट होकर ही चलने लगेगा। तो अभी जो है कि जो इसका माइक है ना इसको जो है कि टेस्ट करते हैं, और इसको कनेक्ट करने के लिए काफी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो कि आपको चार्ज करना है, चार्ज करने के बाद में यहाँ पर ये इसका जो बटन है इसको प्रेस करना है, यहाँ पर लाइट आ जाएगी और ये ऑटोमेटिक ही कनेक्ट हो जाएगा। इसकी आवाज़ को ज़्यादा करना है तो यहाँ पर ये प्लस माइनस दिया गया है, इससे जो है कि आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जो है कि कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्ट हो गया, यहाँ पर जो लाइट आ गई देख सकते हो यहाँ पर इसकी, ठीक है। अभी ये जैसे बोलेगा तो इसकी जो देखो आवाज़ है वो कितनी अच्छी जो है कि आ रही है। ऐसे जो कि आप जो है कि सिंगिंग वगैरह भी इसकी आवाज़ को और कम करने के लिए यहाँ पर ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो अभी जो आवाज़ है इसकी कम आ जाएगी। हेलो 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 यहाँ पर देख सकते हो जो इसकी इको है वो भी काफ़ी अच्छी जो आ रही है। और कैसा लगा स्पीकर सब्सक्राइब करके जरूर जाना इस रोबोट स्पीकर की, तो इससे आप जो है इस तरीके से गाने लगाकर और आप ऐसे ही सिंगिंग कर सकते हो। सो फ्रेंड कैसी लगी इसकी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। ये जो है कि एक रोबोट स्पीकर है, FM भी है इसके अंदर, और आपने देखा ये किस तरीके से जो है कि पकड़ रहा है, मगर FM जो है कि मैं अभी अंदर हूँ इसके अंदर एंटीना नहीं है तो ये बाहर काफ़ी अच्छी तरीके से जो इसका म्यूजिक है और जो FM है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ये पकड़ लेगा। तो ये कुछ ऐसा रेडियो है आप जो है कि देख सकते हो एकदम काफ़ी अच्छा जो कि छोटा सा है, और इसकी जो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इस वाले चैनल पर गिवी वाली वीडियो लेकर आता रहूँ तो आप जो है कि उसमें गिवी विनर बन सकते हो गाइस। तो गाइस बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले दीजिए इजाज़त, गुड बाय। और ये कुछ इस तरीके से काम करता है, देखो यहाँ पर ये जो माइक है ये माइक काफ़ी अच्छा जो है कि दिया गया है, मतलब क्रोकी के लिए, और आवाज़ जो है कि ना ये काफ़ी मैंने काफ़ी कम कर रखी है आवाज़ यहाँ पर इसकी। देखो इतनी दूर से मैं जो है कि कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो रेडियो है ना ये भी आ रहा है, देखो बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा है आवाज़। तो ये कैसा लगा रेडियो कमेंट्स में जाना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू गाइस।